कुछ ना हमरा सबके मिले घर में पानी डूब जाए ना माटी भरा दे ना कोई चीज देना दाहर बनाए इतना दाहर के ढगुआ मिले कोई चीज में नामे ना सब चीज में नाम छाप कोई मुखिया जी देखे ना मुखिया जी कहाँ ना 75 बेर जाए 75 बेर अब मुखिया जी कहाँ ना इंदिरा आवास हमरा सबके दे नाम आवा या काट दे नाम सब सलवा नाम अभी अभी इंदिरा आवास में काट दे नाम क्या नाम है सुशीला देवी वार्ड नंबर कितना हो गया 4 मुखिया जी की बात कहनी की जानकारी है की कहलक मुखिया जी मुखिया जी आए न करू डर से नहीं अभी देख के चल जाए वोट मांगने के लिए आते हैं तो अच्छे प्रतिनिधि को कहा नहीं वोट देते हैं अब दे वोट मुखिया कहते रही मुखिया जी अपना गाँव के है जीतता ही अपना पंचायत के है पंचायत के लोग जीत अब कोई आदमी कहीं जीतते अच्छा काम करते अब ना कर सी तो अब कथ कल जाते आपके घर में शौचालय है क्या ना ना है शौचालय 14 वार्ड है 14 वार्ड है आपकी पत्नी भी इससे पूर्व में 5 साल मुखिया रह चुकी है जी। आप भी अभी वर्तमान में मुखिया है जी। 10 साल हुए पूरे कार्यकाल का आप हाँ। दोनों मिला के हमको 5 ऐसा काम बताइए ऐसा जो अपनी आपको उपलब्धि मानते हैं मुखिया होने के नाते सबसे पहले ये जो पीरियड जो गुजरा है सरकार के द्वारा जो योजनाएं हमें करनी चाहिए थी वो समय मैंने किया। अब रह गई बात ये कि उपलब्धि की जहां तक बात है तो मेरे पीरियड में वो तो जन सहयोग से मेरे यहां मंदिर का निर्माण हुआ मेरे यहां जग हुआ मेरे यहां वो रास्ता का वो जो है निर्माण हुआ कब्रिस्तान जाने वाली सड़क में जो है विवाद होता था कभी कभी जो है वहां से अनुसूचित जाति के लोग है गांव होकर के लाश ले आते थे इधर से एक रोड का निर्माण किया गया लोगों को जागरूक किया गया और उन लोगों से वो स्वेच्छा से वो जमीन ली गई उसका उसको करके एक रोड निकलवाया गया। ये मैं मान करके चलता हूं कि ये मैं कुछ काम किया जो फतेहपुर मस्जिद हुआ बड़ी मस्जिद है वहां से रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता है कब्रिस्तान की तरफ जाता है और उसमें हमको लगता है 3 फीट से ज्यादा अभी बरसात में कीचड़ था लोगों को आना जाना ट्रैक्टर गया तो ट्रैक्टर फंस गया। जो रास्ता आपको मदरसा में जाता है दूसरा रास्ता आपको कब्रिस्तान में जाता है वहां पर एक मजार शरीफ भी है वहां पर घनी आबादी है तो यही विकास है सर हम क्या कर सकते हैं हमारे पास तो भाई कार्य करने के लिए पैसा आता नहीं है। सोचते हैं कि विकास का क्या स्थिति है आपके वहाँ यहाँ विकास का स्थिति बहुत ही मतलब बुरा कहेंगे 14 वार्ड में 2 वार्ड जो ऐसा है जैसे ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये 4 नंबर वार्ड ये महादलित टोला है फतेहपुर में क्या भी इसका वार्ड है जहाँ वो भी महादलित टोला है जहाँ आपको पक्की सड़कें और नाला बिल्कुल नहीं है यहाँ पढ़ाई का अगर पढ़ाई की बात करेंगे शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है ये रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है जल नल की बात करेंगे तो एक भी घर में आपको जल नल का कार्य नहीं हुआ है और सब जगह 35 वर्षों से यह अल्पसंख्यक बस्ती है और यहाँ पे जानिए सरकार के 7 निश्चय योजना से लेकर तमाम उन योजनाओं के बारे में जो यहाँ की अब तक सरकार द्वारा लाभकारी योजना जो जनहित के लिए होता है आप हमें ये बताइए आपका अभी भी झोपड़ी नुमा घर है आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है क्या आवास योजना अब तक नहीं मिला है आपके पूरे परिवार में किसी को नहीं मिला है ये बताइए आपके घर में नल जल जो होता है उसके तहत पानी आता है नल जल का लगा हुआ है क्या पाइप जो बनता है उसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है मिला है आपको तो आप लोग कहाँ जाते हैं वही समय में हमारा बसवा का तबियत खराब रही तो न बन ले अच्छा उस समय नहीं बना तो अभी आप लोग शौचालय के लिए घर में तो है नहीं ना। तो बाहर ही जाते होंगे ना फिर हाँ, हाँ। पूरे परिवार हाँ। आपके पास शौचालय है क्या नहीं शौचालय नहीं है ना। तो आप तो बाहर जाती होंगी एक तो मान सम्मान होता है घर परिवार के लिए जब सरकार भी कहती है सभी लोग कहते हैं कि हमारा जिला भी ODF है तो आपके घर में शौचालय अब तक नहीं नल जल योजना जो है जिसके माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने की योजना है आपके घर में नल जल है क्या नहीं नली की अवस्था को देखिए इनके घर की स्थिति को देखिए हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इनके घर के जो रास्ते हैं उनको भी दिखाए ये रास्ता अब इस रास्ता को देखिए कि जो
नली गली का जो सरकार का योजना है वो धरातल पर कितना सटीक है, आप इससे समझ सकते हैं कितना बेहतर तरीके से हम ये जनप्रतिनिधि है कितना विकास इन लोगों को दिए। मेरा नाम विनय दास है। और आपका क्या है, आपकी समस्या? हमारा समस्या ये है कि जो अभी तक मुझे न इंदिरा आवास मिला है, मैं गरीब आर्थिक स्थिति से गरीब आदमी, घर देख ही रहे हैं जी, नहीं रहने का साधन है, शौचालय नहीं, हमारे टोला पर रोड बन रहा है कि बहुत आदमी को गुहार लगाए, हम लोग सब वो आदमी मिल के भी गुहार लगाए, ये सोलिंग भी उखाड़ दिया गया, नहीं इंदिरा आवास मिला, नहीं कोई योजना, अगर सरकारी फंड आता है तो अप्लाई कर देने के बाद कुछ आदमी को आता है, कुछ को आता ही नहीं। आपको सरकारी फंड का किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, अभी इसमें नहीं मिला है, इसमें नहीं मिला है। शौचालय है आपके घर में? शौचालय हमारे पास नहीं है, नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं शौचालय के लिए? बांस में जाते हैं। बांस में जाते हैं। अच्छा, नल जल का जो योजना का जो है तो उसका लाभ आपको मिल रहा है? नल जल का हमारे इधर नहीं है। आपके इधर नल जल का कहीं पे कोई पाइप वगैरह कुछ भी नहीं बिछा हुआ? कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 8 है।